हेलो गाइड्स, पॉपुलेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहोगे। तो आप देख सकते हैं, एक चाइना सर्किट का बोर्ड आया है मेरे पास रिपेयरिंग के लिए। ये देखिए, एक मिस्त्री का है, यानी काम करते हैं वो, लेके आया है मेरे पास खोल के बोर्ड को। और ये है इसका अलग पिक्चर ट्यूब, अल्ट्रा स्लिम। ओके, ये अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब पर मैंने लगाया इसको टेस्ट करने के लिए। तो गाइड्स, इसका फॉल्ट यही था कि उसने जिसने आना उसने देखा है बहुत, यहाँ पे आईसी का बेस लगाया, आईसी भी चेंज किया, लेकिन वीडियो सिग्नल इसका नहीं आया। तो इसका रीज़न क्या है, आज इसे कोई रिपेयरिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे इसका फॉल्ट था, कैसा फॉल्ट था जो उसने, जो मिस्त्री था उसने नहीं इसको ठीक कर पाया, तो मेरे पास ले आया। तो इसको आज मैं रिपेयरिंग करूँगा, तो आप देखते रहिए वीडियो। और गाइड्स, एक बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो यार, और वीडियो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो बनता है। तो गाइड्स, इसको रिपेयरिंग करेंगे और देखिए आप क्या प्रॉब्लम था इसका, यानी आईसी भी चेंज हुआ फिर भी इसका वीडियो नहीं आ रहा था। तो मैं इसका जो पहला आईसी था, यानी जो ओल्ड आईसी था, वही लगा है सीट पे। अब इसको देखेंगे कि इसका फॉल्ट कहाँ पे है, क्या फॉल्ट है। तो गाइड्स, आपको ले आते हैं पीसीबी के पीछे की तरफ और इधर आपको ले आते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इसका फॉल्ट। तो ओके गाइड्स, तो मैं लाइन दे रहा हूँ सेट पे, देखिए मैं सेट पे लाइन दिया, आप दिखाते हैं आपको, क्योंकि स्क्रीन छोटा दिखाएगा, कोई बात नहीं है, अलग पिक्चर ट्यूब है इसलिए छोटा दिखाएगा। तो आप देखिए, स्क्रीन पे लाइट तो बिल्कुल आ रहा है। अब आपको दिखाते हैं, आपको ये भी कर रहा हूँ, उसके बाद दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये भी वन हुआ, अब ये भी टू हुआ, टू हुआ, देखिए ये भी टू। ओके, आप क्या करेंगे, जो हमारा सॉकेट है इसमें इनपुट करेंगे। तो गाइड्स, मैं इसका वीडियो सिग्नल इनपुट करूँगा, आप देख सकते हैं ये भी टू पे मैं सिलेक्ट करके रखा। अब देखिए, इसका वीडियो सिग्नल को मैं दे रहा हूँ। ओके, अभी साउंड नहीं देंगे, लेकिन इम स्पीकर नहीं लगा, तो चलो फिर भी लगा देते हैं हम साउंड का भी। ओके, अब आपको लेके चलते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पिक्चर नहीं है। ओके, कोई भी पिक्चर कोई भी नहीं है। और यहाँ पे तो टीवी, ये भी हुआ, ये भी टू बिल्कुल लिखा है, आपको हम दिखाते हैं चेंज करके। ये देखिए, थ्री चैनल, मतलब तीन नंबर आ गया चैनल का। अब देखिए, वन लिखा है, ए भी वन, अब ए भी टू, लेकिन किसी पे भी पिक्चर नहीं है। तो इसका फॉल्ट क्या है, आईसी भी चेंज कर दिया लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है। तो इसका फॉल्ट क्या है, आपको दिखा रहे हैं, तो आप देखते रहिए कि इसका फॉल्ट क्या है। तो गाइड्स, ये रहा हमारा आईसी। ओके, ये चाइना का सर्किट है, तो ये आईसी है, ये आईसी कितना लगा है आप देख सकते हैं, आईसी का नंबर देखिए 8893 CSC NG 7F 76। ओके, और इसका एसटी का नंबर आप देख सकते हैं कि इसका एसटी का नंबर कितना है। तो गाइड्स, इसका 1010 ST है और इसका पावर अलग से पावर लगा है। ओके, तो गाइड्स मैं और बातें नहीं बना के अब ले चलता हूँ आपको कि इसका फॉल्ट कहाँ पे है। ओके, तो इसके फॉल्ट के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारा आईसी है, ये चाइना आईसी है, इस आईसी का आप देख लीजिए पिन होता है, ये जो पिन होता है इसका, ये रहा 15 पिन, 15 नंबर। तो हमारा जो यहाँ पे है 25 नंबर, और यहाँ पे है 24। तो गाइड्स, इसका 24 और 23 नंबर पिन वीडियो सेक्शन के लिए है, अलग अलग 24 है, इसका 24 है वीडियो वन, मतलब ए वी वन के लिए, और जो 23 नंबर पिन है वो ए वी टू के लिए। तो गाइड्स, किसी पे भी वीडियो नहीं आ रहा है। तो देखिए, आपको इसके फॉल्ट के लिए आपको मल्टीमीटर को मैं बीप रेंज में सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, सिलेक्ट कर दिया मैं,
अब आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको दिखाते हैं क्या इसका फॉल्ट है। तो गाइड्स, इसका जो आउटपुट पिन है यानी जो इनपुट होता है दो नंबर, तो वीडियो टू यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ से आता है वीडियो सिग्नल। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको ग्राउंड पे दूँगा और एक यहाँ पे दूँगा। तो आप मीटर पे फॉलो कीजिए, मीटर के स्क्रीन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यानी इसका पूरा लाइन ही ख़राब है। ओके, तो इसको इसी लाइन को ट्रैक करेंगे हम और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो इस लाइन को ट्रैक करके मैं देखिए यहाँ से आ गया, यहाँ से आके यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे। आप मीटर पे फॉलो कीजिए, देखिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कॉर्नलसर है। ओके, कॉर्नलसर से यहाँ पे आता है लाइन। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, कोई कुछ नहीं है। तो गाइस, इसका फॉल्ट क्या है? इसका फॉल्ट एक ही है कि इसमें जो आसमान से बाज गिरता है वही बाज गिरा है यहाँ पे, इसलिए इसका फॉल्ट ऐसा हो गया कि आईसी खराब हो चुका है। तो गाइड्स, कैसे चेक करें कि आईसी का दो सेक्शन रहता है, AV2 AV1, तो पता कैसे चले कि कौन सेक्शन खराब हुआ है? तो एक हम ग्राउंड पे ले लेते हैं कॉमन। ओके, अब क्या करेंगे, जो AV2 का लाइन ख़राब है हमारा, तो AV2 का डायरेक्ट पिन आईसी पे चल जाएंगे यहाँ पे 23 नंबर पिन पे। तो गाइड्स, आप देख सकते हैं 23 नंबर पिन पे आईसी बिल्कुल शॉर्ट हो चुके हैं। आप देखिए 22 ओम्स आ रहा है, यानी आईसी शॉर्ट हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पे 24 नंबर पिन पे जो हमारा एक ही अलग लाइन है, तो यहाँ पे देखिए आपको कितना फॉलो हो रहा है। तो गाइड्स, यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कुछ भी नंबर नहीं आ रहा है। ओके, ये लाइन हमारा बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो इनपुट होता है AV1 वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप देखिए 83 ओम्स दिखा रहा है, यानी सही है, इस आईसी का इस लाइन सही है। तो क्या करेंगे, इस लाइन पे वीडियो दे देंगे हम, पहले 2 पे चलता था, आप इसमें देंगे। ओके गाइड्स, तो इसमें दे देंगे तो हमारा जो वीडियो है वो चलाएगा। तो ये लाइन हमारा ख़राब था, 1 2 लाइन और 1 लाइन सही है। तो आपको दिखाते हैं, तो गाइड्स आपको लेके आए टीवी के स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिखा है, AV2 लिखा है। इसको मैं ऑन कर दूँ, मतलब चैनल नंबर ऑन कर दूंगा। ओके, तो देखिए मैं ऑन कर दिया इसका चैनल नंबर। आप क्या करेंगे, आप जो केबल है इसका केबल को मैं इस लाइन पे दे दूंगा, इस लाइन पे हमारा वीडियो है, ये लाइन पे दे दिए। अब देखिए क्या होता है। तो गाइड्स, आप देखिए पिक्चर बिल्कुल आ गया है, यानी हमारा जो प्रॉब्लम था वो सही हो चुके हैं। ओके गाइड्स, तो प्लीज़ यार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। तो देखो गाइड्स, इसका आईसी बिल्कुल चेंज करके भी काम नहीं हो रहा था, यानी जो सी इसका 2 लाइन ही ख़राब था। तो मैं इसको ऑनलाइन पे रेडी कर दिया, यानी ऑनलाइन पे दे दिया AV1 पे, तो ये वीडियो आ गया। ओके, तो देखते रहिए वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो सर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।